दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में बढ़ती हुई गर्मी और धूप के कारण जहां एक और जिला प्रशासन को बिहार सरकार के द्वारा सचेत किया गया है, अलर्ट जारी किया गया है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि बिहार के स्कूलों को अब बंद किए जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और जिस तरह का धूप और मौसम के कारण परेशानी उत्पन्न हो रही है, आंधी और बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जताया है और काफी चिलचिलाती गर्मी और धूप के कारण बच्चों का तबीयत न बिगड़ जाए और दूसरी ओर कोरोना का प्रकोप फिर बढ़ना प्रारंभ हो चुका है, चौथे लहर की संभावना तेज हो गई है। इन सारे स्थितियों को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल को बंद करने का फैसला अब लिया जा चुका है, अब जल्द ही स्कूल कॉलेज को बंद करी जाएगी। उधर पटना से बड़ी खबर निकल कर आई है कि 138 कोचिंग संस्थान को पटना में बंद किए जाएंगे। जिला पदाधिकारी ने कहा है कि 138 कोचिंग संस्थान जो पटना में वर्तमान में संचालित है उसे भी बंद किए जाएंगे। अब इस चौथे लहर के कारण कोचिंग संस्थान को बंद की जाएगी या बढ़ती हुई धूप और गर्मी के तपिश को देखते हुए कोचिंग संस्थान को बंद की जाएगी, यह अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो शिक्षा मंत्री का बयान आया है विजय कुमार चौधरी का, उसने स्पष्ट किया है कि स्कूलों को बंद की जाएगी और चौथी लहर जो कोरोना के असर को देखा जा रहा और मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इन सारे कारणों को देखते हुए अविलंब स्कूलों को बंद किए जाने की घोषणा कर दी जाएगी और 138 कोचिंग संस्थान जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार बंद किए जाएंगे। अब इस तरह का खबर निकल कर आया है और छात्रों के भविष्य का भी प्रश्न है। छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं और इस तरह की खबर आई है। अब देखना यह होगा कि आगे और क्या आदेश निकल कर आती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।